उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शहर के रामश्री महाविद्यालय में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में बीएसपी पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल सहित जिला सूचना अधिकारी सतीश कुमार ने शिरकत की। जनपद महोबा में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बीएसपी पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने शिरकत करते हुए प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। शहर के रामश्री महाविद्यालय में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कराटे एसोसिएशन महोबा द्वारा कराया गया। प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे जिला अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने बच्चों को हर संभव मदद देने की बात भी कही। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे छात्र छात्राओं को जिला सूचना अधिकारी सतीश यादव और बीएसपी जिला अध्यक्ष द्वारा पुरस्कार से नवाजा भी गया। महोबा से संवाददाता इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। रामश्री महाविद्यालय की ओर से कराटे एसोसिएशन द्वारा जो ये प्रोग्राम किया गया, हम पहली बार आए इसमें और आने के बाद पता चला हमें कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो श्रीलंका से गोल्ड भी जीत के आए और ये हमें सुन के मतलब बहुत, पहले तो कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन जो सच्चाई सामने आई उसके बाद लगा कि हमारे जनपद से, हमारे बुंदेलखंड से जब इस तरीके की प्रतिभाएं अदर कंट्री में गोल्ड लेके आ सकती और इसमें जो आप लोग सहयोग कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। और ये पता चला कि कुछ बच्चे गरीब घरों से भी हैं और जो यू एसोसिएशन चल रही है और इसमें जो आप लोगों का सहयोग है वो सराहनीय है। और हम यही कहना चाहेंगे कि मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाह रहा हूँ कि इन बच्चों के लिए अगर मेरी कहीं भी ज़रूरत पड़े तो जो उनके सीनियर हैं या जो उनके गुरुजन हैं या जो एसोसिएशन के लोग हैं वो हमें आधी रात में भी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आधी रात में भी इन बच्चों के लिए खड़ा मिलूँगा। और इस तरीके से आज ये बच्चे यहाँ हैं, अभी काफ़ी छोटे बच्चे हैं, मंडल में जाएंगे, मंडल के बाद स्टेट स्तर पर जाएंगे, स्टेट के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचेंगे। तो हम इन बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप लोगों से एक निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से आप लोग ये कार्यक्रम बच्चों के कर रहे हैं, जिससे जैसा इनका उत्साहवर्धन हो रहा है, इसे आगे आप लोग बरकरार रखिए। धन्यवाद। देखिए, जो बच्चों के परिजन हैं, माता पिता हैं, उनसे मेरी बहुत खुली एक अपील है, मैं करना चाहूँगा कि प्रतिभाओं का दमन मत कीजिए। अगर आपके बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिभा है तो उसको मौका दीजिए, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करिए, ताकि वो बच्चा अपनी इस प्रतिभा को और निखार कर देश विदेश तक इस जमी, इस धरती, इस बुंदेली जो विरासत है, जो कह सकते हैं बुंदेली धरा की बात करें, जनपद की बात करें, इसका नाम रोशन कर सके। क्योंकि बच्चों में अमूमन ये चीज़ होती है, चूँकि ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे थोड़ा सा आदमी का सरकारी नौकरियों के प्रति ज़्यादा एक विचारधीन रहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए हमारे बच्चों को, इतना पर्याप्त है, फिर चाहे वो सफाई कर्मी ही की क्यों ना मिले। तो उनसे मेरा यही अनुरोध है कि बहुत से विराट अगर ये सोचता तो आज इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान ना होता, महेंद्र सिंह धोनी अगर टीटी की नौकरी कर रहे होते तो T20 विश्व कप ना जीतता भारत। तो इसलिए प्रतिभाओं को मौका दीजिए और उनको निखारिए। यही मेरे यहाँ के माता पिता, जो बच्चे हैं उनके माता पिता हैं, उनसे मेरी यही अपील है। आज रामश्री डिग्री कॉलेज में जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है कराटे एसोसिएशन महुआ की तरफ से, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और हमारे ऋतुराज भाई साहब जो बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए ये कार्य कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, सराहनीय। और मैं बच्चों के अच्छे भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूं और उन्हें सुभाशीष देना चाहता हूं। वो लगातार परिश्रम करें और आज जनपद, मंडल, प्रदेश, इस तरह पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। धन्यवाद।